राजधानी दिल्ली में कंझावला जैसी घटना एक बार फिर सामने आई है। राजधानी दिल्ली के कन्हैया नगर इलाके में एक कार ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। स्कूटी पर दो लोग बैठे थे, एक व्यक्ति जो पीछे बैठा था वो छटक के दूर गिर गया। जो व्यक्ति स्कूटी चला रहा था वो कार में फंस गया, कुछ दूर तक यूं ही घसीटता रहा। कार सवारों ने इसके बाद भी कार नहीं रोकी और स्कूटी सवार को करीब 300 मीटर 350 मीटर तक यूं ही घसीटते लेकर चले गए। इस घटना में जो व्यक्ति कार में फंस गया था, जो स्कूटी चला रहा था, उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार का पीछा किया, कार के अंदर बैठे 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक थाना केशवपुरम की PCR की गाड़ियां प्रेरणा चौक और कन्हैया नगर में गश्त कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक कार सवार ने स्कूटी को टक्कर मारी है और इस तरह से एक व्यक्ति कार में फंसा हुआ घसीटता जा रहा है और कार रुक भी नहीं रही है। PCR वैन ने तुरंत कार का पीछा करा, कार को रुकवाया, 2 लोगों को गिरफ्तार करा जबकि 3 लोग वहां से भाग गए थे। तुरंत जो व्यक्ति घायल हुआ था, जो कार में फंस गया था, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। कार में कुल 5 लोग बैठे थे, सभी 5 लोग को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में डिटेल में जानकारी देते हुए उषा रंगनानी जो DCP नॉर्थ वेस्ट हैं, उन्होंने बताया, ये 26 जनवरी की घटना है। देर रात हमारी टीम प्रेरणा चौक से कन्हैया नगर के बीच पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी बीच PCR ने नोटिस किया कि एक कार ने एक स्कूटी को टक्कर मारी थी। टक्कर की वजह से स्कूटी पर पीछे बैठा व्यक्ति तो छटक कर जमीन पर गिर गया, लेकिन जो व्यक्ति स्कूटी चला रहा था उसका सिर कार की विंडशील्ड और बोनट के बीच में फंस गया। इसके बाद भी कार सवारों ने गाड़ी रोकी नहीं और उस व्यक्ति को इसी तरह से करीब 300-350 मीटर तक घसीटते ले गए। PCR वैन ने उनका पीछा कर 2 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, बाकी 3 तब भाग गए थे। कार सवारों ने शराब पी रखी थी। जो व्यक्ति कार में फंस गया था उनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। बता दें कि हादसे के वक्त जो व्यक्ति स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठे थे उनको भी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां बाद में इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन दिल्ली में इस तरह की घटनाएं लगातार सिरहन पैदा करने वाली हैं। दिल्ली की सड़कों पर एक के बाद एक इस तरह के रैश ड्राइविंग के रोड एक्सीडेंट के केस सामने आ रहे हैं। कंझावला कांड अभी भी लोगों के दिल दिमाग में ताजा है और अब 26 जनवरी रात की ये घटना भी सामने आ गई है।